हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्यू ब्रिज सही बन रहा है या गलत बन रहा है, कैसे चेक करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि हमने रोड लाइन ड्रॉ कर दी है, फिर रोड लाइन के साथ ही हमने 90 डिग्री पर भी एक लाइन और ड्रॉ कर दी है, ठीक सेंटर लाइन से। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोड का एंड या ब्रिज का एंड होता है ये, आप दूसरी साइड वाला जो देख रहे हैं, हमने ये भी लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 8.4 मीटर की है, ठीक 8.4 मीटर की दूरी है जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है, और हम यहाँ से 45 एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे दूसरी तरफ तक। ठीक है, 8.4 है, उसका स्क्यू कितना हो जाएगा, 11.88 हो जाएगा 45 डिग्री में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 मीटर का स्पान है तो कोस 45 अगर हम करते हैं तो 14.14 हो जाता है, और 8.4 है तो कोस 45 कर देंगे 11.88 हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो हम यहाँ से 11.88 ड्रॉ कर देते हैं, और स्पान 10 मीटर है तो 14.14 मीटर स्क्यू में हो जाएगा। ये यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 14.14 हो गया ये, और ये 11.88 मीटर हो गया। ये हमने जो है ना स्क्यू ब्रिज का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमको चेक कैसे करना वो हम बताएंगे। अब 11.88 है उसका डिवाइड बाय 2 कर दिए तो 5.939 आ जाएगा, यहाँ पर 5.939 ये मिल गया हमको। ठीक, इसके बाद 8.4 है ये, अगर 8.4 को भी हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा। ठीक, ये 4.2 है यहाँ से यहाँ, तो हमको ये एंगल के साथ ये भी मिल जाएगा हमको। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर ये 4.2 ये आ गया, यहाँ यहाँ ये इसको 4.2 लिख दिया हमने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमको ये ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए आप देखिए, यहाँ पर 14.14 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे 7.07 आ जाएगा, और 7.07 में से अगर हम 4.2 को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर 2.87 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। अब हमको ये प्राप्त हो गया है तो हम आगे ये भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एरो लगा हुआ है। ठीक, ये कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल सकते हैं, 4.2 का स्क्वायर प्लस 2.87 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो हमारा 5.087 आ जाएगा, ये निकल गया। अगर हम इसका 5.087 आ गया, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो ये भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमको ये भी प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 10.174। ये हमारा एक साइड का डायगोनल हमको प्राप्त हो गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब दूसरी साइड का डायगोनल प्राप्त करेंगे, ये 7.07 मीटर है और ये हमारा 4.2 मीटर है और ये हमारा 2.87 है। ठीक, सो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कि यही पता करना है बस, और ये हमको पता ही है 8.4 का 4.2 हो जाएगा, वो भी 7.07 प्लस 4.2 कर देंगे तो 11.27 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया और ये 4.2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11.27 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में डाल के 12.027, ये हमको यहाँ से ये डायगोनल प्राप्त हो गया। इसको फिर हम आगे यहाँ से जो है ना अगर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमको ये पूरा डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि डायगोनल कैसे चेक करेंगे स्क्यू ब्रिज में। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस था, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस सभी दिनेश नागर DNSS ब्लॉग्स पे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड।